हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में, यानी कि एक दवा के बारे में, जिसका नाम है फेरम फोर्स क्यू। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि कोई भी मेडिसिन यानी कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती, बल्कि वह एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। फेरम फोर्स क्यू। दोस्तों, आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके बारे में कहा गया है कि रक्त संचालन प्रणाली पर फेरम फास की खास क्रिया है। शरीर के अंदर रक्त का असम वितरण होने पर इस दवा का प्रयोग होने से जहां जितना खून चाहिए वहां उतना खून पहुंच जाता है। रक्तस्वल्पता अनीमिया की यह एक सर्वशक्तिमान महौषधि है। चोट लगने या कट जाने के कारण शरीर के किसी भी भाग से रक्त स्राव क्यों ना हो, वहां पानी से धो डालने के बाद जरूरत भर मात्रा में फेरम फास 2x विचून रखकर जोर से दबा डालना चाहिए। इससे तुरंत रक्त का बहना बंद हो जाता है। साथ ही 5 ग्रेन की मात्रा में खिलानी भी चाहिए। शरीर के किसी भाग से ज्यादा और खतरनाक रूप में रक्तस्राव होने पर एक शीशी डिस्टिल्ड वाटर में 5 ग्रेन फेरम फास 2x मिलाकर आग की गर्मी पर गलाकर तुरंत हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देने से तुरंत रक्तस्राव बंद हो जाता है। भीतरी खाने का और बाहरी प्रयोग भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। अत्यंत तेज ऊंचे बुखार में उपरोक्त रीति से इंजेक्शन और जल्दी जल्दी इस दवा का भीतरी प्रयोग करने से बुखार नीचे उतर आता है और हृदपिंड पर भी दुर्बलता करने वाली अवस्था नहीं आती। रक्तस्राव, पेशाब में खून निकलना, अतिरजह, जरायु से रक्तस्राव इत्यादि में चमकीला लाल रक्त रहने पर इस दवा की क्यू शक्ति 5 बूंद की मात्रा में जरूरत के मुताबिक 1-2 घंटे पर या रोज 3-4 खुराक देने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। इन सभी उपसर्गों में इस दवा के साथ जिरेनियम मेकुलेटम क्यू 5 बूंद की मात्रा में अदल बदल कर प्रयोग करने से सोने में सुगंध हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन यानी कि इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि ये मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है। दोस्तों, अगर आपको इस मेडिसिन को लेनी हो यानी कि खरीदनी हो तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रही बात इस मेडिसिन को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको और भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर अलग अलग रोग या बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर भोजन द्वारा चिकित्सा यानी कि हर घर में आसानी से उपलब्ध खाने या पीने के चीज़ों के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करने के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय।